राम राम सभी को। मैं रितेश गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से, और सबसे पहले मैं एक टू लाइनर बोलता हूँ, सुनिएगा। माना के माँ के सामने पिता की हस्ती मौन है, माना के माँ के सामने पिता की हस्ती मौन है, मगर दुनिया यही पूछती है तेरा बाप कौन है। आज मैं आप लोगों के बीच दो कविताएं सुनाऊंगा। पहली कविता का शीर्षक है नारी सशक्तिकरण, आशा करता हूं आपको पसंद आएगी, सुनिएगा। नारी सशक्तिकरण के लिए जैसे ही कलम उठाई, सबसे पहले भ्रूण में मरने वाली उन बच्चियों की याद आई। नारी सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले यही कदम उठाएं, भ्रूण जांच और भ्रूण हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाएं। लड़का लड़की का भेद समाज से मिटाएं, लड़का लड़की का भेद समाज से मिटाएं, दोनों को शिक्षा के समान अवसर दिलाएं। फिर देखना तुम किसकी बुद्धि बलवान है, प्रथम श्रेणी अधिकांश क्षेत्र में महिलाओं के नाम है। देश के विकास में सबका योगदान है, महिलाओं को कम समझना पुरुषों का अभिमान है। जिस देश में स्त्री और पुरुष समान है, वो देश सबसे महान है। आज की नारी सर्वशक्तिमान है, सीमा पर तैनात होकर देश की सुरक्षा का करती वो काम है। बंदूक तो क्या वो चला सकती लड़ाकू विमान है, जरूरत पड़ने पर वो भी दे सकती देश के लिए प्राण है। ऐसी सर्वशक्तिमान नारी ही हर देश का अभिमान है, उस जगत जननी को दिल से प्रणाम है। तो मैं ये कविता लिख रहा था, मेरे अंदर का हास्य कवि जग जाता है बीच बीच में, तो मैंने दो पंक्ति ऐसी मजाक में लिखी थी, कोई बुरा मत मानना। तो सुनेगा कि तुम्हें क्या लगता है ये पापा की परियां सिर्फ स्कूटी ठोकती जाएंगी, तुम्हें क्या लगता है ये पापा की परियां सिर्फ स्कूटी ठोकती जाएंगी, अजीब मौका देकर तो देखो वो तुम्हें हवाई जहाज से उड़ाएंगी। शुक्रिया। अब मैं अपनी दूसरी कविता सुनाऊंगा। 15 अगस्त आ रहा है, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। एक शायरी से शुरुआत करता हूँ, सुनिएगा। कि शब्दों में जाहिर करना आजादी की गरिमा को मेरे बस की बात नहीं, खून से सींचा है शहीदों ने अपना ये तिरंगा, इसके सामने शीश झुकाना कोई छोटी बात नहीं। अब मैं कविता प्रारंभ करता हूं, इसका मैंने शीर्षक दिया ध्वजारोहण, आशा करता हूं आपको पसंद आएगी, सुनेगा। ध्वजारोहण करने से पहले अपनी विसंगतियों का अवरोहण करो, ध्वजारोहण करने से पहले विसंगतियों का अवरोहण करो, जिन्होंने दी है कुर्बानी उन शहीदों को दिल से नमन करो। तीन रंग तिरंगे के देते हैं शिक्षा बड़ी बड़ी, मिलजुल करके साथ रहो, शांति सद्भावना साथ खड़ी। इन तीन रंगों को तुम अलग अलग ना काटो तुम, इसके तीन रंगों को अलग अलग ना काटो तुम, भगवा हिंदू सफेद ईसाई और हरा मुस्लिम में ना बांटो तुम। बिना धर्म और जाति भेद के आजादी की लड़ाई में सबने अपनी भूमिका निभाई, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्ला और दादा भाई नरोजी, सभी ने क्रांति की मशाले जलाई। सभी धर्मों की कुर्बानी से देश की यह आजादी आई, इसलिए आजादी के बाद हमने धर्म निरपेक्षता अपनाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, सभी ने यही बात सिखलाई, किसी भी झंडे के नीचे न हमने ऐसी एकता पाई। इस तिरंगे की शान में शीश झुकाते मेरे सारे हिंदुस्तानी भाई, आप सभी को एक बार फिर से 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।